हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछले 8 सालों से जारी शाम की खाना जंगी अब एक बहुत ज़्यादा शदीद जंग इख्तियार कर चुकी है और अक्वाम मुत्तहदा के मुताबिक हालिया जो बम्बारी हुई है वो शामी जंग की शदीद तरीन बम्बारी है, जिसमें सैकड़ों अफराद मारे जा चुके हैं और उन मारे जाने वाले अफराद में एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की भी है। हज़ारों ख़ानदान ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं और सैकड़ों इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। बहुत सारे अफराद लापता हो गए हैं, ख़वातीन को क़ैद भी कर लिया गया है। ज़ुल्म व सितम का एक बाजार है जो उरूज पर है। अद्वियात की कमी है, खुराक की किल्लत है और अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक ये इस वक्त जो शाम का इलाका है वो ज़मीनी जहन्नुम बना हुआ है। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक का नाम आता है कि ये फ़ला मुल्क उसमें इन्वॉल्व है, फ़ला मुल्क इन्वॉल्व है, बहुत सारे ममालिक अपनी जगह, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ के जो अवाम हैं उनका कसूर क्या है। उन पर इस तरह से शदीद तरीन जो बम्बारी की जा रही है, अक्वामे मुत्तहदा और आलमी इदारे और इंसानी हकूक़ की तंजीमें वो सब कहाँ पर मौजूद हैं, आज हम इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा पैकेज हमने आपके लिए तैयार किया है, वो पहले देखते हैं। ये मनाजिर हैं शाम के मशरक़ी इलाके गोता के, जहाँ लोग जिंदगी को तरस रहे हैं, बम्बारी से बच्चे खौफजदा हैं, तहफ्फुज़ मांग रहे हैं। Dear friends, I'm afraid of this because helicopters are bombing every day by pearls. I'm scared. Please help us. गुज़िश्ता माह से जारी रूसी और शामी हुकूमती फौज की बम्बारी से 1000 अफराद लुक्मा अजल बन चुके हैं, जिनमें जांबहक और जख्मी होने वालों की अक्सरियत बच्चों की है। अक्वामे मुत्तहदा में बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने भी गोता को ज़मीन पर जहन्नुम करार दे दिया। यूनिसेफ के चीफ एग्जीक्यूटिव ने गोता की सूरतहाल पर तश्वीश का इजहार किया है। And as a result, there are not enough people on the ground to help, but we have partners there who will. गोता दिन ब दिन जहन्नुम बनता जा रहा है, सूरतहाल खराब होती जा रही है, बच्चे मौत देख रहे हैं, तशद्दुद देख रहे हैं, तबाही भी देख रहे हैं, खुराक नहीं, पानी नहीं और बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। So the children are always affected the most. यूनिसेफ के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि शाम की आबादी पर होने वाली बमबारी से बच्चे बड़ी तादाद में मुतासिर हो रहे हैं। अक्वामे मुत्तहदा के मुताबिक गोता में इस वक्त 4 लाख अफराद मौजूद हैं, जिन्हें इनखला के दौरान भी निशाना बनाया जा रहा है। खुद पर जारी मजालिम के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज भी किया। नाज़रीन, एक छोटा सा पैकेज आपने देखा, ये पैकेज पूरी सूरत हाल की गम्माजी नहीं कर रहा, ये बहुत एक छोटी सी झलक है जो मैंने आपको दिखाई है। इससे कहीं ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है, कहीं ज़्यादा बच्चे जो है वो मारे जा रहे हैं और वाकई सूरत हाल बहुत नाजुक है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मंदोखेल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? इनके साथ साथ मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर फरीद पराचा साहब, जो जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर साहब आपसे ही चलें बात का आगाज करता हूं कि ये जो अभी छोटा सा हमने पैकेज भी दिखाया और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, मैं अपने इंट्रोडक्शन में ये सवाल पूछ चुका था, मुझे ये बताइए कि वहां पर जो भी एक आलमी सियासत है वो अपनी जगह पर, लेकिन वहां के अवाम का कसूर क्या है डॉक्टर साहब? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं और आज का भी। हकीकत यह है कि इतना ये बड़ा इंसानी अलमिया है कि शायद इस वक्त पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई इंसानी अलमिया नहीं है।
लेकिन हमारे चैनल्स को फुर्सत नहीं है, कई और कामों से, सेनेट इलेक्शन हो रहा है, मेला मवेशियां लगा हुआ है, मंडी लगी हुई है, को बिक रहे हैं, को खरीद रहे हैं, हम इससे ही बाहर नहीं निकल रहे और नहीं देख रहे कि हालात क्या है दुनिया में। ये मुसलमान है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारी इज्जतें हैं, लेकिन इस अंदाज पे जुल्म है। और आपका बिल्कुल बजा सवाल है कि वहां के अवाम का क्या कसूर है। ये 50 साल हो गए हैं दो बाप बेटा जो है वो इस मुल्क पे जबरदस्ती हुक्मरान है, यानी हाफिजुल असद और बिशारुल असद, और उसके बाद अपोजिशन होती है, हर जगह होती है। जब 2011 में एक अरब बहार शुरू हुई तो यहां भी लोगों को यह आजादी का एक एहसास पैदा हुआ। अपोजिशन दुनिया भर में होती है, लेकिन अपोजिशन का यह मतलब नहीं है कि उन पर बमबारी की जाए, उसका यह मतलब नहीं है कि जी आप बच्चों के कफन के अंदर लिपटी हुई लाशों के ढेर लगा दें। तो यहां पर जो कुछ हो रहा है, यानी किसी इंसान में अगर उसके दिल के अंदर सीने के अंदर कोई भी दर्द की लहर मौजूद है, वो सोशल मीडिया पर आने वाली उन तस्वीरों को नहीं देख सकता, मुमकिन ही नहीं है कि इंसान उस अलमिए को देख सके। ये गौसा का जो शहर है, ये दमिश्क से सिर्फ कुछ 15 किलोमीटर के फासले पे है, और वहां पे यानी एक घराव की कैफियत है कुछ है, वहां भी लाजमी बात है कुछ लोग वहां भी मुकाबला कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये बात भी की गई कि उनको रास्ता दे दिया जाए, वो निकल जाए, ताकि यह है कि ये जो बमबारी आम शहरियों पे हुई, 4 लाख की आबादी है, सही है, वो नहीं दिया गया रास्ता। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात को और मजीद आगे बढ़ाता हूं, लेकिन मैं जरा मंदोखेल साहब को शामिल करता हूं। सर ये बताइए कि ये जो अभी हम जो पैकेज में भी देख रहे थे, यूनिसेफ का जो इदारा है अक़वामे मुत्तहिदा का, उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, चूँकि आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, आप उसके लिए काम भी करते हैं, ये अक़वामे मुत्तहिदा का इदारा सिर्फ तशवीश का इजहार कर सकता है, बयान दे सकता है, या अमली तौर पर इसके पास कुछ पावर्स भी हैं, राइट्स, मतलब कुछ इम्प्लीमेंट करने की कुछ सकत भी रखता है, ये कर तो नहीं रहा कुछ भी? देखिए, बुनियादी तौर पे अक्वाम मुत्तहिदा को का नाम अक्वाम मुत्तहिदा कहना भी, मैं कहता हूँ अक्वाम की तोहीन है। किसने बोला कि अक्वाम मुत्तहिदा वो तो अमेरिका का एक लॉबी है, कमेटी है, जो मर्जी है वो करारदाद भी पास कराते हैं, जो मर्जी है वीटो भी कर लेते हैं। क्या कौन सा उसूल है? और जब मर्जी होती है तो वो इंप्लीमेंट नहीं करता, वरना नहीं करता। दुनिया का कौन सा उसूल है कि अगर आप कहते हो अक्वाम मुत्तहिदा और फिर वहां पे अपने 5 मुल्कों को वीटो का पावर दिया है, यानी अगर 200 मुल्क एक तरफ हो, एक मुल्क की मर्जी न हो, जैसा अमेरिका हमेशा इसराइल के लिए करता आ रहा है, सही। एक उसने एक बदबूदार जानवर पाल के रखा है मुसलमानों के लिए, और ईएन मिडिल ईस्ट पे उसको रखा है और मुसलमानों को ब्लैकमेल करने के लिए। क्या हाल है पिछले 38 साल से जो अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, किसकी लड़ाई रूस अमेरिका इनके बीच में। मैं कबाली इलाके से मेरा ताल्लुक है, मैं बचपन में हमने चाकू तक नहीं देखा। लेकिन सर कसूर हमारा भी तो है ना, हमने क्यों साथ दिया अमेरिका का, मतलब आप बजा फरमा रहे हैं ये बात ठीक है, हमसे मुराद पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत। देखिए अगर एक हुक्मरान या एक डिक्टेटर जो है ना वो इस तरह फैसला कर ले तो उसमें आप 22 करोड़ आवाम को आप सजा नहीं दे सकते हो। 22 करोड़ आवाम के मैं एक चीज ये सुनूंगा कि अफगानिस्तान की सूरतयाल आपके सामने, कितने हजार लाशें आपने की है, फिर यही अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान पुलिस और सिविलियन समेत कोई 80,000 के करीब हमने तो जान के नजराने दिए, उसके बावजूद हमें वो नहीं है। ड्रोन हमले भी हम पे होते हैं, दहशतगर्दी भी। मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ, पराचा साहब बखूबी आगे पे है कि जब 10,000 कंटेनर कराची से गायब हो गए और वही अक्वाम मुत्तहिदा अमेरिका नेटो ने और खुद वो क्लेम नहीं कर रहे हैं कि मेरे वो 20,000 कंटेनर कहाँ गए, फिर यही हाल होगा जब कराची के घर से आप 5-5 ट्रक निकालेंगे और ये तो 5 ट्रक है, 20,000 का मैं तलाश हूं को 20,000 अभी भी बारूद के ढेर पे कराची आबाद है, ये किसी को भी फट सकता है। और मुझसे ज्यादा ये पराचा साहब बखूबी जानते हैं ये क्या है, यही अक़वाम मुत्तहिदा है, यही अमेरिका है जिसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तबाह करने के लिए किसी दहशतगर ग्रुप के हवाले ये कर दिए और हम उसका सजा भुगत रहे हैं। मंदोखेल साहब मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन हम वापस ब्रेक से जब आएंगे तो शाम के बारे में बात करेंगे, जाहिर है अफगानिस्तान इस वक्त हमारा टॉपिक नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद फौरन वापस आऊंगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, मंदुखेल साहब बता रहे थे कि असल में ये जो अमेरिका अक्वामे मुत्तहिदा के बारे में उन्होंने कहा कि अक्वामे मुत्तहिदा किस बात का अक्वामे मुत्तहिदा है, कहने को तो अक्वामे मुत्तहिदा है लेकिन उन्होंने सिर्फ चंद ममालिक हैं जिनको के वीटो पावर मौजूद है और वो बहुत सारे फैसले खुद ही करते हैं, तो वो अक्वामे मुत्तहिदा तो उस तरह का रोल प्ले ही नहीं कर रहा। प्राचा साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो यूनिसेफ के बारे में मैंने अभी बात की थी, क्या आप भी यही समझते हैं कि वाकई अक्वामे मुत्तहिदा जो है वो सिर्फ अमेरिका का एक रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है? देखिए, अमली तौर पर तो यही बात है ना, यानी दुनिया भर के अंदर अक्वामे मुत्तहिदा अपना कोई अलग से रोल अदा नहीं कर सका। आप सिर्फ एक बात से ये समझ लें कि दुनिया में अक्वामे मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान को वीटो पावर हासिल है। वीटो पावर का मतलब यह है कि दुनिया का सारा अमन एक ताकत के हाथ में चला जाता है। कोई भी मसला हो, जैसे कश्मीर है, फलस्तीन है, दुनिया के अंदर जो बरस हा बरस यानी जिन पर 70-70 साल जिन मसाइल पर गुजर गए हैं, तो उन पे कभी अमेरिका ने वीटो कर दिया और कभी जो है वो रूस ने कर दिया। गोया के ये कि इसकी तरकीब के अंदर ही ये खामी शामिल है, इसकी तामीर के अंदर ही ये खामी शामिल है कि ये तो एक गुलाम इदारा है, एक बड़ी ताकतों के हाथ के अंदर एक खिलौना है, जब वो चाहें जिस तरह से चाहें वो इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा कहीं पर वो अमन की फौज भेज के तो यानी कुछ जानों को बचाने का कभी कोई खेल कर लेते हैं, या इसी तरह से महाजर कैंप वगैरह और वहां पे कोई इंसानी, लेकिन जो असल है अमन के क्याम है वो तो कोई नहीं है। अभी ये शाम के ही अलमिया देखे ना, यानी ये तबसरे तो कर दिए अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कि दुनिया ये जहन्नमदार बना हुआ है। सवाल ये है कि इस जहन्नमदार से बच्चों को, औरतों को, मजलूमों को, बूढ़ों को निकालने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा ने क्या किरदार अदा किया है? सर एक बात बताइए, डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपने और मंदुखेल साहब ने बहुत अच्छा ये बताया, लेकिन मुझे बताइए अक्वामे मुत्तहिदा, मैं मान लेता हूँ कि वो कोई उस तरह का रोल प्ले नहीं कर रहा, वो किसी एक या दो या चंद ममालिक का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है, मुझे ये बताइए कि ओआईसी क्या कर रहा है, ओआईसी किसका मतलब नुमाइंदा बना हुआ है? अब आप छोड़ दीजिए अक्वामे मुत्तहिदा को, वो उन आप जब मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, स्पेशली जो जो इदारे जो दीनी जमातें हैं वो मुस्लिम उम्मा का जो तस्वुर पेश करती हैं, तो वो कहाँ गया मुस्लिम उम्मा का तस्वुर, ओआईसी क्या कर रहा है? सर सब आपने बिल्कुल बजा बात कही है, ये सही बात है। अगर ओआईसी कुछ कर रहा होता, अगर उम्मा के जो बने हुए हैं इस वक्त रहनुमा यानी उम्मा, वो अगर कुछ कर रहे होते तो ये हाल तो ना होता। डॉक्टर साहब इसका मतलब खोट तो फिर हमारे अंदर हुई ना, हम अक्वामे मुत्तहिदा पे तो बाद में आए, खोट तो हमारी अपनी है सर। अक्वामे मुत्तहिदा का मामला तो बाद में आएगा, पहले तो घर वालों से गिले हैं। आप जरा जरा देखिए ना कि पूरी दुनिया में एक दो ममालिक को छोड़ के जंगे हम पर मुसल्लत है, महाजर कैंप हमारे बने हुए हैं, खैमा पसनियां हमारी बनी। सर ये जो जंगे हम पे मुसल्लत हैं, जंगे जो हम पे मुसल्लत हैं, जब उनका तज्जिया किया जाता है तो हमारे ही ब्रादर ममालिक जो हैं वो आपस में लड़वा रहे हैं ना सर, मसला तो ये है ना सर। सही बात है, यानी यही वो अलमिया है ना कि जो 2009 में ये नक्शे आए थे, मैं ये कहता हूँ कि ये नक्शे आए थे कि आलम इस्लाम 2015 में तकसीम हो जाएगा और ये अमेरिकन डिफेंस जर्नल के नक्शे थे, ये वेबसाइटों पे अवेलेबल थे। 2015 आया और खेल उसी तरह हो गया, लेकिन इस नक्शे में रंग किसने भरा है? हमने खुद भरा है, यानी मुसलमान ममालिक ने भरा है। इसको शिया और सुन्नी ब्लाकों के अंदर तकसीम करने का खेल हमने किया है, और इंसान तो मुसलमानों के मार रहे हैं, वो तो एक तमाशा देख रहे हैं, उन्हें इस बात से क्या बहस है कि जी ये शिया है और ये सुन्नी है और ये ईरान अरब है और ये अजम है और ये शरक है और ये गरब है, वो तो अपना एक खेल खेल रहे हैं और हम उस खेल का एक खिलाड़ी बने। ठीक है, मैं मंदुखेल साहब की तरफ आता हूँ। सर आप अभी ब्रेक से पहले जब आप फरमा रहे थे कि ये अमेरिका की लड़ाई है और यहाँ पर आ गई है, पाकिस्तान में आ गई है, वही बात है सर, ओआईसी हम मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, छोड़ दीजिए अक्वामे मुत्तहिदा क्या कर रहा है, हमारा रोल क्या है और खास करके पाकिस्तान का रोल क्या है इस पूरी सूरत हाल में, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है सर? देखिए इस्लाम क्या कहते हैं कि अगर कोई बुराई देखो तो आप ताकत से रोको, नहीं हो तो ज़बान से रोको, आखिरी दर्जा ये है कि आप दिल में रखो। हमने आखिरी दर्जा अपनाया हुआ है,
आप देखें जिस मुल्क का कुछ चार साल तक वजीर खारजा ना हो, अब आप देख लें कल के है कि एक बैंकर को आपने अमेरिका का सफीर बनाया। आपकी मुखलिसी, आपकी गुड गवर्नेंस, आपकी तवज्जो को तो यहाँ से यानी अमेरिका जैसा मुल्क में तो आपको एक समझदार स्याड़ा और बेहतरीन पॉलिटिकल आदमी चाहिए, आपको चाहिए, ताकि अमेरिका जो हमारे साथ दुगली पॉलिसी बना रहा है, एक तरफ वो अफगानिस्तान में, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, एक तरफ वो अफगानिस्तान में इंडिया के साथ मिल के कठपुतली हुकूमत बना के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी फैला रहे और धमकियां पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो ऐसे मुल्क में आप एक सफीर को, पहले वजीर खारजा नहीं था चार साल, अब जो वजीर खारजा बना दिए है उसके कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी इतना बड़ा फोरम जो अकवाम मुत्तहिदा के फोरम जो कुलभूषण यादव इतना बड़ा कर्नल लेवल का जो दहशतगर्द पाकिस्तानी गिरफ्तार किए, आपने वहाँ अकवाम मुत्तहिदा के सामने भारत का जो मकरू चेहरा, दहशतगर्द चेहरा आपने क्या दिखाया? आपने एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड का चेयरमैन मुफ्ता इस्माइल को भेजा, वो सेल्फियाँ बना रहा था, वजीर खारजा आपका लंदन में नवाज शरीफ के साथ गफे शपे मारे थे, उसके बाद अभी आपने जो अमेरिका का सफीर बनाया, एक बैंकर और एक चैनल के दामाद को आपने बनाया, मेरी बात सुनो, दामाद को बनाया, तो आप क्या आप करेंगे? आपके अपनी घर से देखिए, छोड़िए अकवाम मुत्तहिदा की आपने बात की, छोड़िए ओआईसी को, आपकी अपनी हुकूमत का यह हाल है कि वो पर्ची बना के अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने पर्ची याद करो, जैसा वो कमरे में आएगा तो मैं सबसे पहले ये मुतालबा हासिल करूंगा। सवाल ये कि आपकी आपकी अपनी जो एफर्ट्स है, आपकी अपनी जो मुखलसी है, आप क्या खाक करेंगे अकवाम मुत्तहिदा, अकवाम आलम के लिए, इस्लामी मालिक के लिए, शाम के लिए, आपको सेनेट का उससे उन्हीं, सबसे पहले मैं पाकिस्तान की हुकूमत, ज्यादा पाकिस्तान की मीडिया को तंकीद बना रहा हूं। आप तो अच्छे हैं, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप प्रोग्राम करें, कौन से चैनल करें, नाच गाने दिखा रहा है, कभी क्या दिखा रहे, कभी क्या दिखा रहा है, किया सोशल मीडिया में जिस तरह फोटेज आ रहे हैं मासूम बच्चों के, खुदा की कसम मेरा रूह कांपता है, मैं वो तस्वीर देख नहीं पाता हूँ, जिस तरह तस्वीरें आ रही है, जिस तरह मासूम बच्चों के साथ जुल्म और जिस तरह आत पाँव कटे और जिस तरह, ये कोई हम जंगल के उसमें रह रहे, लेकिन अब ये समझना चाहिए कि ये जंग अमेरिका और रूस का है और इसका जो बैटल फील्ड है वो हमेशा इस्लामी मालिक होता है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे दूसरे मालिक। यही मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं दोबारा प्राचा साहब की तरफ जाऊँगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्राचा साहब के सामने कुछ और क्वेश्चन रखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्राचा साहब, ये अभी हम थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले बात कर रहे थे अकवामे मुत्तहिदा को, मैंने कहा छोड़ दीजिए, ओआईसी पे आ जाइए, अब ओआईसी को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, पाकिस्तान पर आ जाते हैं। सूरह हुजरात है सर, उसमें अल्लाह ताला ने एक जगह ये इशारा दिया है कि जब दो मोमिन, दो मुस्लिम ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो जो तीसरा है उसे इनके दरमियान सुलह करवानी चाहिए, ना कि उसके साथ जो है ज्यादती पर उतर आना चाहिए, सुलह करवानी चाहिए और जो मजलूम है उसके साथ खड़े रहना चाहिए। ये मैं मफहूम बता रहा हूँ सूरह हुजरात की कुछ आयात का। पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान की अपनी खारिजा पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान शाम के इस मसले पर किस साइड पर खड़ा हुआ है सर? देखिए, ये बात बिल्कुल आपने बता, इसमें ये सूरह का हवाला दिया है, उसमें पूरा फार्मूला है, उसमें ये है कि अगर मुसलमानों के दो ग्रोह आपस में लड़ जाएं तो इनके दरमियान सुलह कराओ, और अगर सुलह होने के बाद फहिम भगत एहदा हुमा अलल उखरा, अगर कोई फिर बगावत करके दूसरे के ऊपर हमला आवर हो जाए तो फिर सारे मिलकर हमला आवर के खिलाफ जंग करें। यानी पूरा कुरान पाक ने एक फार्मूला दिया है, इस पे अमल होना चाहिए था, नहीं हुआ, उसका नतीजा जो है वो ये है कि शाम है या इराक पहले, उसके अब यमन, ये सारे इलाके एक जंग की लपेट के अंदर है, हालत जंग में है, और इस सारे मामले को जो ममालिक ठीक करवा सकते थे उनमें एक पाकिस्तान है। यानी बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान का, मुसलमान ममालिक की वाहिद एटमी ताकत है पाकिस्तान। फिर ये पाकिस्तान अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यानी इसका रोल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना इसका रोल जो है वो मुतय्यन किया है। अलामा इकबाल और हजरत कायदे आजम, उनका वो देख रहे हैं, उस वक्त उन्होंने उम्मत की वहादत का, फलस्तीन के मसले का, ये सारी चीजों पर उनके ख्याल हमारे रहनुमा हैं। अब भी सारे मामले में तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब, ये वो चार ममालिक हैं
तो ठीक ठाक किरदार अदा कर सकते हैं। इनमें से दो ममालक तो यूं समझा जाता है कि ये आपस में मुतहारब हैं, जैसे सऊदी अरब और ईरान है, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान और तुर्की से भी बढ़कर खुद पाकिस्तान। ये ना कि ये सारी चीजों में हमारे हुक्मरानों की कोई पॉलिसी नहीं है, उन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया खुद कश्मीर की आजादी में, उनका कोई रोल नहीं है जो बांग्लादेश में वहां पर इंसानी हकूक की घटियां उड़ाई जा रही हैं, और मुआहिदा जो हमारे साथ था यानी पाकिस्तान उसका एक फ्रीक है सह फ्रीकी मुआहिदा, उस की खिलाफ वर्जी करते हुए जो पाकिस्तान के वक्त लोग यानी उस वक्त जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था सदाएं आज दी जा रही हैं। सर डॉक्टर साहब ये बताइएगा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जमात इस्लामी अपना असर व रसूख आपने जैसे बजा फरमाया कि ये जो चार ममालिक जिनका आपने हवाला दिया इनमें से दो ममालिक तो फरीक बने हुए हैं ईरान और सऊदी अरेबिया, लेकिन आपने टर्की और पाकिस्तान का जैसे हवाला दिया, तो पाकिस्तान में ये जो जमात इस्लामी का जो किरदार है, जमात इस्लामी अपना असर व रसूख सऊदी अरेबिया के लिए और ईरान के लिए किस हद तक इस्तेमाल कर पा रहे हैं आप? क्या आप आपकी अपनी जो जमात है उसके लिए उसकी कोई कोशिशें कुछ एफर्ट्स हैं? जी बिल्कुल, हमने यानी पूरी ये कोशिश की है जी, और इस सिलसिले में बाकी भी इस्लामी तहरीकों उन तक भी ये बात पहुंचाई है कि दुनिया भर के इस्लामी तहरीकों को अपना एक रोल अदा करना चाहिए। इस हद तक तो हम ये कर रहे हैं, और अलखिदमत फाउंडेशन वगैरह के जो शाम के मुतासरीन हैं जिनके महाजर कैंपों में हैं उन तक खुराक भी लिबास भी अद्वियात भी। नहीं सर खुराक नहीं सर, मैं उसकी बात नहीं सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, खुराक और अद्वियात तो बजा तौर पर अलखिदमत कर रहा है इदारा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस सुलह के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है, कोई आप कर पा रहे हैं ऐसा कोई असर रसूख आप अपना इस्तेमाल कर पा रहे हैं? ये यानी अब हमारे लेवल की तो इतनी ही बात है ना कि ये एहसास पैदा किया जाए, और ये एहसास दोनों ममालिक में ईरान और सऊदी अरब वहां तक ये एहसास पहुंचाया जा रहा है, यानी वहाँ के उलमाए इकराम हैं, वहाँ के मीडिया के लोग हैं, वहाँ पर किसी भी दर्जे में, लेकिन असल काम तो जो है वो बहरहाल हुकूमत की सतह पे, यानी मैं बुनियादी काम तो पाकिस्तान की वजारत खारजा को, हमारे हुक्मरानों को, हमारे वजीर आजम को अदा करना चाहिए। ठीक है मंदोखेल साहब, आप ये बताइएगा कि चूंकि आपका एक बहुत बड़ा रोल जो है ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी है, और दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत सारे लोग सामने आते हैं, चाहे खाब वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि गैर मुस्लिम होने के बावजूद एक उनके अंदर एक इंसानी जज्बा मौजूद है, तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से इस तरह के जो लोग हैं जो समाजी कारकुन हैं पूरी दुनिया में, वो कितने एक्टिव हैं, वो कितने मुतहरिक हैं इस इशू को रिजॉल्व करने में? देखिए जैसे पराशा साहब ने फरमाया, इस तरह ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उनका भी इतनी लेवल इतनी पहुंच नहीं है कि वो दो मुल्कों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा आपका फोरम है अभी पिछले मैंने 19 तारीख को पाकिस्तान की पहली बैन अलावामी जो है ना ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस हुई है, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस कॉन्फ्रेंस में जो दुनिया भर से मंदूबीन आए हुए थे और करोड़ों रुपये इसके ऊपर खर्च की हुकूमत पाकिस्तान में, उसमें कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। अच्छा। यानी कश्मीर का नाम आ गया और स्लाइड रोक दिया गया। ठीक है, क्या बात करेंगे उसमें, हम जैसे सोशल वर्कर वहाँ भी आवाज़ उठाते रहें, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे फलस्तीन का हो, चाहे इराक का हो, चाहे शाम का हो, चाहे बांग्लादेश के जो जिक्र किए हैं, वहाँ जो मुसवरीन है वो अभी तक बेचारे जो है ना दरबदर की ज़िंदगी कर रहे हैं, फिर उसके अलावा जो पाकिस्तान के साथ पराशा साहब ने खूब दे पाकिस्तान के साथ जिन्होंने हमदर्दी जिन्होंने हिमायत की है उनको आज तक 70 साल बाद भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको फांसियाँ दी जा रही है, बुज़ुर्ग लोगों को, मैं कहता हूँ उसके लिए मैं अपने तौर पे ये समझ रहा हूं कि ये सारी बातें घूम फिर के मैं फिर वापस OIC और अकवामदा की बातें, मैं अपने मुल्क की बात करूं, मेरे मुल्क में पाकिस्तान में पहली मर्तबा 70 साल में एक कॉन्फ्रेंस जो बुलाई बैन अलावामी, उसमें न कश्मीर का जिक्र, ना अफगानिस्तान का जिक्र, ना शाम का जिक्र, ना बांग्लादेश का जिक्र, ना इस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को जो फांसियां चढ़ा रहे ना उनका जिक्र, तो किस बात की ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस में? वैसे तो सोशल वर्कर मैं शर्मिंदा हूं, मैं अपने इस
अपनी गवर्नमेंट की स्कीम, मैं बार बार अगर गवर्नमेंट की तरफ आ रहा हूं, जब गवर्नमेंट की आपका वजीर खारजा ही न हो, जब आपका सफीर एक बिजनेसमैन एक बैंकर हो, तो आप क्या दुनिया की बात, क्या दुनिया की, क्या अक्वाम आलम की, क्या इस्लाम आलम की आप बात करेंगे? आप तो अपने मुल्क का मुकदमा नहीं लड़ पाएंगे। अगर कोई जुल्म हो रहे तो सबसे पहले रियासत आवाज उठा ले और उसके बाद आवाम को आवाज दे। ठीक है, एक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट दो सवालात हैं और प्राचा साहब से भी पूछेंगे, मंदोखेल साहब से भी, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो हमारी मुस्लिम उम्मा की एक एक आलमी फौज बनाई गई है जिसके सिपहसालार जनरल राहिल शरीफ साहब हैं, ये जो फौज है मुस्लिम उम्मा की जो बनाई गई है, ये फौज क्या कर रही है, इसका क्या रोल है इस पूरे सूरत हाल में? ये बात कोई बहुत ज्यादा उतनी आगे नहीं चली जितना शुरू में इसकी उठान थी कि ये एक फौज बनी है, तश्कील पाई है, ये उम्मत के मामलात को हल कराने में एक रोल अदा करेगी। लेकिन जब से अमेरिका का दौरा हुआ है, सऊदी अरब का, फिर उसके बाद से ये मामलात उतने सरगर्म नहीं रहे। मालूम नहीं कि ये तासुरी है या फिर वाकया है, लेकिन हकीकत ये है कि इस में भी ईरान की शमूलियत, लबनान की शमूलियत और दीगर उन ममालिक की शमूलियत भी बहुत जरूरी थी। ठीक है मंदोखेल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि 8 साल से खाना जंगी की कैफियत तो चल रही है और अब एकदम से एक जंग की सूरत हो गई है और शदीद तरीन बमबारी हो रही है, आप क्या देख रहे हैं अगले चंद बरसों में या अगले 1-2 माह के अंदर, क्या ये सूरत हाल कहाँ जाकर ठहरती हुई नज़र आ रही है आपको? ये दो एटमी सुपर पावर के बीच में लड़ाई है, रूस और अमरीका की, और कुछ नहीं इसके अलावा। और दूसरी बात ये कि जो पराचा साहब ने फरमाया है, ये 34 ममालिक का आम तौर पे हम पहले गली मोहल्ले में तकसीम थी शिया सुनी में, और अब हम आलमी सतह पे तकसीम हो गए। अगर मेरी बात गलत है तो इसको ईरान को और दूसरे जो ममालिक है जो अहले तशी ज़्यादा है उनकी शमूलियत के बग़ैर ये तासुर मेरे जैसा आम पाकिस्तानी आम मुसलमान ये जहनों में रहेगा कि ये सुनी ग्रुप अलग है और शिया ग्रुप अलग है। आप आलमी फौज की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये 34 ममालिक की बात कर रहा हूँ जो सुदियारे जिस राहिल शरीफ साहब जिसके सरबरा है। तो जब तक आप ईरान को और दूसरे ममालिक को आप उसमें शामिल नहीं करेंगे, तासुर ये जाएगा और जाएगा नहीं बल्कि जा चुका है कि ये सुनी और शिया बिल्ट अलग अलग है। तो मैं ये समझ रहा हूँ पहले हम गली मोहल्ले के बेस पर तकसीम थे, हम आलमी तौर पर अब शिया सुनी का ग्रुप बन गए, इससे हमें बचना चाहिए। राहिल शरीफ साहब को, पाकिस्तान की फौज को इसमें ईरान को शामिल करना चाहिए। ईरान हमारा एक पड़ोसी है, हमारा इस्लामी ब्रदर मुल्क है, और हमें ईरान को अफगानिस्तान की तरफ या भारत की तरफ हम नहीं धकेलना चाहिए। देखिए कोशिश होगी भारत की, इसराइल की, कि ईरान को हमसे अलग कर लिया। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी पड़ोसी मुल्क को हमें बार, क्योंकि देख रहे हैं अब जब आपने सीपेक की बात की है, सीपेक के हवाले से जो एक चाइना के साथ हमारा मायदा हुआ, ठक से उसकी अल्टरनेट चाबार और अफगानिस्तान ने और अमरीका ने मिलकर वह 50 अरब की इनिशियल इन्वेस्टमेंट भारत ने कर दी है। तो ये क्या है, ये आपको तकसीम करने के लिए हमें अपनी पड़ोसी अपनी ब्रदर मुल्क इस्लाम के, और ये मैं ये भी समझ रहा हूं कि जब गैस लाइन मुकम्मल हो गई, यहां पर गैस के लिए लोग तरस रहे हैं, जब आपका इसके ईरान के साथ मुकम्मल हो गया तो क्या बात है, अमेरिका के डर से आपने पाकिस्तान के अंदर वो गैस लाइन नहीं लिए, जबकि आपने मुआहदा भी किए, आप जुर्माना भी अदा करो प्रॉपर तरीके से। तो क्या हम इतने खौफजदा है अमेरिका से कि अमेरिका जो मर्जी है हमारा इस्लामी मुल्क हमसे अलग कर दे, दहशतगर्द मुल्क इंडिया अपने साथ मिला ले, अफगानिस्तान में कठपुतली हुकूमत बना के हम पे बमबारिया हम पर हमले करना शुरू कर दे? तो अगर हमें यह भी समझ में नहीं आता है तो फिर हमें शाम और दूसरी बातें करने का हक भी नहीं है, क्योंकि हमने अपने घर ठीक करना है और उसके बाद फिर हमने उसकी तरफ यकीनन शाम की सबकी बात करनी चाहिए, मगर कैसे करेंगे जब आप अपनी पॉलिसी ठीक करेंगे? ठीक है, आखिरी लम्हात, आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुख्तलिफ अहादीस हैं उसमें जो कुर्ब क़यामत के जो आसार बयान किए गए हैं और जो अलामात क़यामत बयान की गई हैं उसमें शाम और फलस्तीन वगैरह के इलाके में जंग का भी एक इशारा मौजूद है, क्या आप समझते हैं कि ये उसी तरह की कोई जंग है? ये तो ऐन मुमकिन है कि जो कुछ कुर्ब क़यामत की अलामतें हैं उनमें से एक बड़ी अलामत जो है ये हो रही है,
लेकिन इसका सबका मतलब ये नहीं है कि हम इस पे मुतमिन हो जाएं कि ये एक कुर्बे क्यामत की निशानी पूरी हो रही है और हमारा कोई किरदार नहीं है। हमारा किरदार है, यानी इस सब के बाद की भी अहादीस है कि सबसे फिर निशते सानिया का एक दौर जो है वो शुरू होगा और उम्मत के इत्तेहाद का एक रास्ता बनेगा। तो हमें उन सारी अहादीस को मिला के अपना एक लाहे अमल तय, यानी इससे मायूसी के बजाय उम्मीद का पहलू निकालना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, मेरे साथ डॉक्टर फरीद पराचा साहब मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर, जो जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, उनसे गुफ्तगू जारी थी, और मेरे स्टूडियो में अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हमने आज जो ओवरऑल सूरत हाल जो शाम में हो रही है, जो शाम में बम्बारी हो रही है, उसके हवाले से गुफ्तगू की, अक़वामे मुत्तहिदा के किरदार को देखा, OIC को डिस्कस किया, पाकिस्तान का स्पेशली देखा किरदार। जो बात दोनों हमारे मेहमानान गिरामी ने की, उसका जो मरकज़ी नुक्ता है वो ये है कि पहले हमें अपने घर को भी देखना है, और हमारी जब तक खारजा पॉलिसी दुरुस्त सिमत में नहीं होंगी, जब हमारी विल नहीं होगी, जब हमारी नीयतें दुरुस्त नहीं होंगी, तो हम इस तरह की जो चीज़ें उनसे हमेशा हमें आज़माया जाता रहेगा और हमारे सामने इसी तरह के चैलेंजेस आते रहेंगे। हमें खुद आगे बढ़ना चाहिए और हमें खुद कोई किरदार अदा करना चाहिए, तब जाकर इन सूरत हाल से निपटा जा सकता है। डॉक्टर ज़ुबैर अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। कर सकते हैं साबिक वज़ीरे आज़म यूसुफ ज़ा गिलानी, परवेज़ अशरफ की क़यादत जो है वो आज के इजलास में मौजूद होगी, और बुनियादी तौर के ऊपर जो ऐलान करना नाम है उनके ऊपर गौर किया जाएगा, और पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उसकी जो तजवीज़ है कि अपना उम्मीदवार सामने लेके आया जाए उसके ऊपर जो है वो मशावरत की जाएगी, और सीनियर रहनुमाओं की जो तजवीज़ है कि अपना उम्मीदवार लाया जाए उसके लिए हिकमत अमली और प्लान तरतीब दिया जाएगा दीगर सियासी जमातों से हमायत के लिए। इमरान खान चूंकि वाज़े पोजीशन ले चुके हैं कि वो बलूचिस्तान के सेंटर्स की हमायत करेंगे और चेयरमैन सेंटर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन इसको किस तरीके से इसका आगे हल निकालना है, इस तमाम सूरत हाल के हल किस तरह से निकालना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कोशिश होगी कि अपना उम्मीदवार नामजद किया जाए। बहुत शुक्रिया अली फुरकान। अब आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला हतमी है, उसूली मौकफ है कि चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से ही आना चाहिए। आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला हतमी है, उसूली मौकफ है कि चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से ही आना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को वोट ना देने का फैसला हतमी है, फवाद चौधरी की जानिब से कह दिया गया है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा उसकी हिमायत नहीं की जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए कल सेनेट का इजलास होगा। 9 मुंतखब सेनेटर्स हलफ उठाने के बाद दीगर अरकान के साथ खुफिया राय शुमारी में हिस्सा भी लेंगे। 9 मुंतखब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी इसी रोज हलफ उठाएंगे। ऐवान बालक की सबसे बड़ी नशिस्त पर कौन होगा विराजमान, फैसला कल सेनेट में होने वाली वोटिंग से हो जाएगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा, तहम इससे कबल तमाम 9 मुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद सेनेट का इजलास सुबह 10 बजे होगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद इजलास मौखर कर दिया जाएगा और फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के कागजात नामजदगी जमा होंगे। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे दोबारा शुरू होगा, तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा, फिर खुफिया राय शुमारी होगी, जिसके बाद ऐवान बाला के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का ऐलान किया जाएगा। इंतखाब के फौरन बाद 9 मुंतखब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए सियासी गर्मा गर्मी अपनी जगह, लेकिन मुल्क का सियासी माहौल जलसों से भी खूब गर्म है। शहबाज शरीफ आज पहलवानों के शहर में दंगल लगाएंगे। गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में जलसे की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। वज़ीरे आला पंजाब अवामी मंसूबों का इफ्तिताह और जलसे से खिताब करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने जलसों से रंग जमाया। आज खादिम आला शहबाज शरीफ गुजरांवाला में सियासी मेला सजाएंगे। ज
जिनाह स्टेडियम में पंडाल सज गया, कुर्सियां भी लग गईं। मतवालों का लहू गरमाने के लिए साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया। जलसगाह को नवाज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बैनर्स और इस्तकबाली पोस्टर से सजा दिया गया। पंडाल में 120 फुट लंबा, 60 फुट चौड़ा और 12 फुट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। वजीर आला पंजाब जलसे से खिताब में सियासी मुखालफीन को खूब ललकारेंगे। उधर जलसे की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम समेत ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। और इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज राजा हबीब से कि शहबाज शरीफ कब तक जलसेगा पहुंचेंगे और क्या मनाजिर उनके सामने सख्त मौजूद हैं। राजा हबीब बताएगा तैयारियां कैसी हैं। बिल्कुल, हुक्मरान जमात आज गुजरांवाला शहर में अपना सियासी पावर शो जो है वो करने जा रही है। मुस्लिम लीग नवाज के जो कायम काम सदर मियां शहबाज शरीफ हैं वो यहां जिनाह स्टेडियम में आज मुस्लिम लीग की मतवालों से जो है वो खिताब करेंगे। जिनाह स्टेडियम में जलसे के हवाले से तमाम तर तैयारियों को जो है वो हतमी शक्ल दे दी गई है। यहाँ नून लीग के कारकुन जो है वो बड़े पुरजोश हैं, छोटे छोटे काफिलों की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में जिनाह स्टेडियम जो है वो पहुँचना शुरू हो गए। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जिनाह स्टेडियम के ग्राउंड में तकरीबन 10,000 कुर्सी जो है वो लगाई गई है, स्टेज जो है वो बनाया गया है। यहाँ स्टेज के हवाले से इंतजामिया ने हमें यही बताया कि इस स्टेज की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 20 फीट है और यहाँ इसकी चौड़ाई जो है वो उसके मतलब यही बताया जा रहा है कि 60 फीट है और तकरीबन 150 अफराद जो हैं वो इस स्टेज पर जो है वो बैठ सकते हैं। 3 बजे जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं यहाँ जलसा का जो है वो पहुँचेंगे। यहाँ स्टेडियम के जो मेन गेट है इसे मेन इंट्री जो है वो करार दिया गया है। इसके अलावा खवातीन की के लिए अलग जो गेट है वो रखा गया है जी। और कायद नून लीग नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज आज सपहर फव्वारा चौक रावलपिंडी में सोशल मीडिया वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी, जिसके लिए स्टेज सज गया है जबकि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, इस वक्त कैसा माहौल है, तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है रावलपिंडी के तारीखी फुवारा चौक के अंदर अपनी सियासी शो का जो है वो मुजाहरा करेगी। इस हवाले से तैयारियां कई दिनों से जो है वो जारी थी और छोटे छोटे जो वो इस हवाले से उन्होंने रैलियां भी निकाली थी और छोटे छोटे इन्होंने कारी मीटिंग्स भी मुनक़द की थी। आज मरियम नवाज जो है दिन 3:30 बजे जो है वो फुवारा चौक आएंगी और अपना तारीख़ जो है वो खिताब करेंगी। जो इनके सोशल मीडिया के जो वर्कर्स हैं उस हवाले उनके साथ इस हवाले से अगर तैयारियों की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग न्यू ने बहुत भरपूर तैयारी की है। तमाम जो है शहर को बड़े बड़े होर्डिंग्स के साथ जो है सजाया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग न्यू की जो रावलपिंडी की क्यादत है जिसमें एक्स एमएनए हनीफ अब्बासी हैं, मौजूदा एमएनए मलिक इब्रार हैं, एमपीए राजा हनीफ और एक्स एमपीए जियाउल्ला शाह मलिक इफ्तखार और दीगर जो मुस्लिम लीग न्यू की क्या। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आइंदा इलेक्शन की तैयारी के लिए तहरीक इंसाफ ने मेंबर साजी मुहिम का आगाज कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज फैसलाबाद में मेंबर साजी मुहिम के कैंप्स का दौरा भी करेंगे। इसकी मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज अजीम शहजाद से। जी अजीम, क्या तफसीलात है आपके पास? जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है आज फैसलाबाद आ रहे हैं। यहाँ पर मेंबरशिप कैंपेन के हवाले से मुख्तलिफ कैंपों का दौरा करेंगे। सबसे पहले वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहाँ मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद जंग रोड से होते हुए सबसे पहला कैंप जो है वो चिनाब जंग रोड पर चिनाब चौक में लगाया गया। ये कंटेनर्स के ऊपर जो है वो ये कैंप बनाया गया। यहाँ पर पहुंचेंगे और कैंपेन का दौरा करेंगे। इसके बाद जो है वो जिनाह लूनी चौक में एक कैंप लगाया गया, वहां जाएंगे और फिर जे रोड पर अकबराबाद चौक में भी एक कैंप लगाया गया। इसके बाद मिलत चौक में जो है वो एक मेंबरशिप कैंपेन के हवाले से कैंप जो लगाया गया वहां जाएंगे। अब्दुल्लापुर चौक में अब्दुल्लापुर चौक से होते हुए शाम के वक्त जो है सबसे एंड पर समुंदरी रोड में नवल्टी पुल के करीब जो कैंप लगाया गया है वहां जाएंगे, वहां उसका दौरा करेंगे। और उसके बाद जो कहा जा रहा है कि वहां पर